हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। तो जैसा कि हम जान सकें कि डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है कि किसी भी डिजिट को हम कैसे पता करें कि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो हम टू का रूल समझेंगे। लास्ट की जो डिजिट इवन या जीरो होगी उसे हम टू से डिविजिबल मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए 120, 540, ऐसे मोस्ट मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं आप किसी को ले सकते हैं। और थ्री का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि सम ऑफ डिजिट, कोई भी नंबर आया तो उसकी सम ऑफ डिजिट अगर तीन से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर तीन से डिवाइड होगा। यही तीन का डिविजिबिलिटी रूल है। सेम डिविजिबिलिटी रूल है फोर के लिए। अगर लास्ट के दो डिजिट चार से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर पूरा चार से डिविजिबल होगा। पाँच के लिए हम जानते हैं कि लास्ट डिजिट जीरो या फाइव हो तो फाइव से डिवाइड है। एंड सिक्स के लिए अगर कोई भी डिजिट दो या तीन से डिवाइड हो रही है तो सिक्स से डिवाइड होगा। और एट के लिए जैसे कि चार में आखिरी दो डिजिट चार से डिवाइड हो रही थी तो वो डिविजिबल था फोर का। ऐसे एट में अगर आखिरी तीन डिजिट एट से डिवाइड हो रही है तो एट का डिविजिबल रूल है। नाइन का रूल सेम थ्री की तरह, सम ऑफ डिजिट अगर नाइन से डिवाइड हो रहा है तो वो नाइन का डिविजिबल है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे 7, 11, 13 एंड 19 का डिविजिबल रूल। थैंक।